बुंदेलखंड पृथक राज्य बनाए जाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ती नजर आ रही है। बुंदेलखंड के तमाम जनपदों से बुंदेलखंड राज्य बनाए जाने को लेकर खून से खत लिखे जा रहे हैं। सन 1947 के देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा खत्म कर दिया गया था, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में बुंदेली समाज के लोगों ने खून से खत लिखकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुंदेलखंड को पुनः राज्य घोषित किए जाने की मांग की है। देखिए, आज 1 नवंबर है। 1 नवंबर बुंदेलखंड के इतिहास का काला दिन मानते हैं हम लोग, क्योंकि उस दिन बुंदेलखंड को भारत के नक्शे से मिटाया गया था। सन 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो हमारे बुंदेलखंड को आधा उत्तर प्रदेश आधा मध्य प्रदेश में आज ही की तारीख में बांटा गया था। तो आज के दिन को हम लोग काला दिवस मनाते हैं। आज 6 राज्यों का जो है स्थापना दिवस है और हमारे बुंदेलखंड का विनाश दिवस है। तो हमारा बुंदेलखंड उसके बाद से 67 साल हो गए हैं 2 राज्यों के बीच में पिस रहा है और इसकी तरक्की नहीं हो पा रही है। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे कोई भी मसला हो, बुंदेलखंड बहुत पिछड़ चुका है। और इसका एक ही समाधान है कि जो नेहरू सरकार ने 1956 में भूल की थी बुंदेलखंड को ख़त्म करके, उस भूल को मोदी जी सुधारें और बुंदेलखंड को उसकी पुरानी स्थिति बहाल करें, पुनः बुंदेलखंड राज्य को हमारा बहाल करके दें। देखिए, खून से खत लिखने की मंशा हमारी यही है कि प्रधानमंत्री जी को हम 29वीं बार आज खून से खत लिखे हैं। तो हम उनको अब तक हजारों खत भेज चुके हैं। हम उनसे यही मांग करते हैं हर बार कि वो प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड के साथ न्याय करें, क्योंकि बुंदेलखंड की जनता उनको फुल समर्थन दे रही है, हर चुनाव में दे रही है, और वो भी बुंदेलखंड की जनता की भावनाओं का सम्मान करें और बुंदेलखंड राज्य बनाएं और इसे तरक्की की रास्ते पर ले आए। हमें ये विश्वास है कि हमें ये उनसे कामना है कि वो हमारी इस मांग को जरूर पूरा करेंगे। अब ये है कि समय थोड़ा लगता है और हम उन्हीं के लिए हमेशा अपने खून से खत लिखते जा रहे हैं। वो जब सुनेंगे तब सुनेंगे, लेकिन हम उनके लिए हमेशा वो करते रहेंगे, खून से खत लिखते रहेंगे। अगर जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड। 4 साल से ये हमारा कंटिन्यूस चल रहा है और 29 बार खत लिख चुके हैं, और अभी हमारा जो है ना, अगर नहीं होगा तो हम इस कार्य को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा संघर्ष करेंगे। अगर इससे भी नहीं सुना जाएगा तो फिर आखिरी जो तेलंगाना वगैरह जैसा संघर्ष हुआ वैसा किया जाएगा। तो हम लोगों को अपने आप दोगे सदन में है, हमारे पुष्पेंद्र चंद्र जी ने उठाया है इस सवाल को कि बुंदेलखंड को अलग किया जाए। इसके बारे में अभी कुछ गर्मा गर्मी हो रही है और हो सकता है कि ये 2023 तक हमारा फैसला कर दिया जाएगा।